कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आज मैंने रेसिपी बनाई थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे बेसन का चीला। बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाता है, एक हेल्दी नाश्ता है, बच्चों के लिए बहुत ही ईजिली बन जाता है। और मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि वो फिर बार बार डिमांड कर रहा है कि मम्मी मुझे बेसन का चीला बनाना है, खाना है कि। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये चम्मच से मैं ले रही हूँ यहाँ पे बेसन। आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको दो चीले बनाने हैं तो आप एक कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर तीन बनाने हैं तो डेढ़ कटोरी का। तो यहाँ पे मैंने, देखिए मैंने ले ली है लगभग डेढ़ कटोरी के लगभग मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। बेसन को मैंने पतीली में निकाल दिया है। एक बड़ा सा प्याज मैंने कट कर दिया है और बारीक कट किया है, उसमें दो हरी मिर्च भी मैंने कट कर दी है। बेसन को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था, छानने के बाद ही मैंने पतीली में निकाला है, क्योंकि आजकल है बरसात का सीज़न है तो कीड़े वगैरह ना हो, तो इसलिए मैंने अच्छे से उसको छान लिया था छन्नी की सहायता से। और उसके बाद अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। तो नमक पहले मैंने भी एक चम्मच डाला है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। तो नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जितना आपको चाहिए, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल, तो बच्चे भी खाएंगे तो बच्चे वैसे मिर्च कम ही खाते हैं, तो मैं यहाँ पे कम ही डालूंगी। तो ये इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी, हल्के हाथों से मिलाना है पहले। और आपने जो इसका बैटर है वो गाढ़ा भी नहीं करना है और ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं करना है, ठीक ही ठीक रखना है मीडियम साइज का, क्योंकि हमें इसे तवे में बनाना है। और यहाँ पे मैंने अभी कसूरी मेथी डाल दी है थोड़ी सी, थोड़ा ग्रीन सी आ जाती है तो अच्छा लगता है देखने में, तो इसलिए मैंने इसमें अब पानी भी ऐड करती रहूँगी। और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है, क्योंकि एकदम हमारा जो बैटर है वो पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये अच्छे से तवे में सिकेगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से हमें बैटर तैयार करना है, एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है, एकदम गाढ़ा भी नहीं करना है और एकदम पतला भी नहीं करना है, मीडियम साइज़ का हमें रखना है ताकि हम इसके घोल को अच्छे से हम तवे में डाल सकें। तो चलिए फिर आ जाते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पे ये मेरा लोहे वाला तवा है, आप चाहे तो नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये मेरा लोहे का तवा है जिसमें हम रेगुलरली जो हम रोटी वगैरह बनाते हैं वही वाला तवा है। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल, तो रिफाइंड इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, तो रिफाइंड को मैंने दो चम्मच के लगभग इसे अच्छे से फैला देना है पहले चारों तरफ तवे में। और जब हमारा ये अच्छे से फैल जाएगा तो उसके बाद हमने जितना भी बैटर हमारा बना होगा ना, उसे हमने करछी की सहायता से इसमें डालना है। और ये देखिए मेरा गर्म हो चुका है तेल, और ये जो बैटर है मैंने करछी की सहायता इसको चारों तरफ से घुमा देना है, जितना आपको गोल चाहिए उतना आप ले सकते हो छोटा बड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ से इसे अच्छे से फैला देना है, और ये बहुत ही इजीली बन जाता है, इसमें ज़्यादा तामझाम की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। और अगर आपको जल्दी से कुछ बच्चों के लिए बनाना है, टिफिन में अगर कुछ देना है या फिर घर में ही कुछ खाने का मन कर रहा है, तो बहुत ही इजीली बन जाता है, बहुत ही टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। ओनली इसमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बेसन और प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च तो आपकी मर्जी है, नहीं तो दो चीज़ तो पड़ती ही पड़ती है, और तेल वो तो चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है चारों तरफ और मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने, तेज आंच नहीं की, नहीं तो आपका जो चीला है वो जल सकता है। तो मैंने जो गैस का फ्लेम है वो कर दिया है मैंने कम, क्योंकि तेज आंच मेरी उस टाइम थी जब मेरा तेल गर्म काफ़ी हो चुका था। और ये देखिए अब इसे एक साइड से पहले अच्छे से हम इसे सिकने देते हैं, और जब हमारा ये एक तरफ से सिक जाएगा तो तभी जाके इसको पलटना है। बीच में अगर आप पलटेंगे तो इसको टूटने का भी डर रहता है, तो इसलिए मैंने इसके चारों तरफ से एक चम्मच जो तेल होता है वो फिर से मैंने डाल दिया है, और इसे अच्छे से इस तरह से फैला देना है चारों तरफ से। और इसे बिल्कुल भी बीच में हाथ मत लगाइए, नहीं तो टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको एक तरफ से पहले सिकने दीजिए। और ये देखिए ये अच्छे से सिक चुका है, तो अब जाके मैंने इसे पलटा है, और ये देखिए इस साइड ये अच्छा सा ब्राउन शेप में आ गया है और अच्छा भी लग रहा होगा दिखने में। तो ये देखिए इस साइड से तो मेरा अच्छा सा ये शेप आ गया है, इसका सिक चुका है अच्छे से। अब मैं इसे पलटने जा रही हूँ, और पलटने के बाद मुझे इसी तरह से दूसरी तरफ भी इस तरह से पलट देना है, कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो कच्चे का टेस्ट बहुत ही बेकार आता है। तो ये देखिए अब इसे मैं थोड़ी देर में पलट दूंगी, और इस तरह से इसे दबाते रहिए अपने स्पून की सहायता से ताकि अच्छे से सिक जाए आपका। तो ये देखिए अब मैंने ये पलटा है और ये इस साइड भी पक चुका है, और इसे बस दोनों तरफ इसी उल्टा पलटी करके अच्छे से सेक लेना है। सेकने के बाद इसे हम उतार लेंगे, अपनी ट्रे या प्लेट में उतार सकते हो आप। और ये देखिए तो ये मेरे अभी दो ही बन चुके हैं, एक मैंने छोटा बनाया है एक मैंने बड़ा बनाया है। तो बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी,
अगर थोड़ा भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे। चैनल नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छी सी रेसिपी अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।